आम इंतखाबात 2024 इलेक्शन कमीशन डेटा महफूज करने की सहूलियात नादरा से लेगा। इलेक्शन कमीशन और नादरा के दरमियान सर्वर होस्टिंग का मुआहिदा तय पा गया है। आम इंतखाबात के नतायज नए सॉफ्टवेयर इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए तैयार किए जाएंगे। मीडिया मुल्की और गैर मुल्की मुबस्सरीन के लिए SOPs भी जारी कर दिए गए हैं। गैर मुल्की मुबस्सरीन 15 दिसंबर तक वीजे की दरख्वास्त दे सकेंगे। आम इंतखाबात को साफ और शफाफ बनाने का मिशन। ECP ने नतायज की बरवक्त तैयारी और रिजल्ट महफूज बनाने के लिए नादरा की खिदमात हासिल कर ली। इलेक्शन नतायज से मुतालिक डाटा महफूज बनाने के लिए ECP नादरा के सर्वे से मदद लेगा। इलेक्शन कमीशन और नादरा के दरमियान सर्वे होस्टिंग का मुआहिदा तय पा गया है। जराए के मुताबिक आम इंतखाबात के नतायज नए सॉफ्टवेयर इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए तैयार किए जाएंगे। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम डिजिटल और मैनुअल तरीकों से चलाया जाएगा। रिटर्निंग अफसरान इंतखाबी नतायज तैयार करके इलेक्शन कमीशन को भिजवाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने मीडिया मुल्की और गैर मुल्की मुबस्सरीन के लिए SOPs भी जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सियासी वाबस्तगी की हामिल अफराद को एक्रीडेशन कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। मुबस्सरीन के लिए एक्रीडेशन कार्ड सिक्योरिटी क्लियरेंस से मशरूत होगा। मीडिया मुल्की और गैर मुल्की मुबस्सरीन को एक्रीडेशन कार्ड के हसूल के लिए बयान हल्फी जमा कराना होगा। इलेक्शन कमीशन को किसी भी मुबस्सर का एक्रीडेशन मनसूख करने का इख्तियार भी होगा। उधर इलेक्शन कमीशन ने गैर मुल्की मुबस्सरीन के वीजे हसूल की दरख्वास्तों में 1 माह की तोसी कर दी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वजारत खाजा को लिखे गए मरासले में कहा गया है कि गैर मुल्की मुबस्सरीन वीजे के हसूल के लिए 15 दिसंबर तक दरख्वास्त दे सकेंगे।